नमस्कार दोस्तों, मैं राम कुमार, आपको YouTube चैनल श्री राम फास्ट सर्विसेज में स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो मैं बताऊंगा किसान भाइयों के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है, बहुत ही सुनहरा अवसर है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसान भाइयों के लिए किसान सम्मान निधि या कहिए आप पेंशन प्रत्येक महीना 500 की, साल में 6000 रुपया आपको मिलेगी। 500 रुपया महीना तीन टर्म में मिलेगी, दो दो हज़ार करके चार चार महीना पे मिलेगी और अभी आपको मार्च में मिल जाएगी। तो कैसे अप्लाई करेंगे, इसका प्रोसेस क्या है, कौन कौन किसान इस किसान सम्मान निधि पेंशन में अप्लाई करेंगे, तो इसके बारे में मैं बताऊंगा। कौन कौन किसान इस सम्मान निधि पेंशन में आपका एलिजिबिलिटी है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए कौन कौन किसान पात्र है, इसके बारे में बताऊंगा। कौन कौन किसान इसमें अप्लाई कर सकते हैं पीएम किसान सम्मान निधि के लिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कलम हो जा रही कि आपने अभी तक YouTube चैनल से राम फास्ट सर्विस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पे देखिए सब्सक्राइब बटन है, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए एंड उसके बाद यहाँ से व्यक्ति घंटी है, इस व्यक्ति घंटी से आप दबा दीजिए। दबाने से आपको ये होगा कि अब जितना भी वीडियो मैं बनाऊंगा वो आपके मेल पर ऑटोमेटिक आते रहेगी और आप अपने मेल से ही देख सकते हैं। और वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक है शेयर अवश्य कीजिएगा एंड किसी भी चीज़ पर आपको वीडियो चाहिए या कुछ समझ नहीं आ रही है तो कमेंट अवश्य करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों हमारे पीएम साहब ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना लॉन्च कर दी है जिसके तहत प्रत्येक किसान को पर महीना लाइफ टाइम 500 रुपये की महीना मिलेगी या कहिए कि आप किसान पेंशन 500 की मिलेगी। तो इसके लिए क्या क्या पात्रता है, कौन किसान इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इन्हें ये योजना का लाभ मिलेगी, तो इसके बारे में मैं आप बता रहा हूँ। तो इसके बारे में यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको। तो इसके लिए आवश्यक शर्त क्या है, किसान पेंशन पाने के लिए इसके आवश्यक शर्त क्या है, ये देखिए आवश्यक शर्त में लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं प्रमाणित करता या करती हूँ कि मेरे परिवार के मतलब हुआ पति पत्नी और जो 18 वर्ष से कम है, जिनका 18 वर्ष से कम उम्र है उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। परिवार से संबंधित इसमें आपको 18 वर्ष से जो ऊपर व्यक्ति है, 18 वर्ष से ऊपर जो व्यक्ति है वो आपको यहाँ पे व्यक्तिगत परिवार में नहीं आते हैं और पिता है वो चलेगा। यहाँ पे पति और पत्नी और 18 वर्ष से जिनका कम उम्र है उनके लिए सिर्फ तीन कंडीशन के लिए यहाँ पे परिवार समझिएगा। तो यहाँ पहला कंडीशन यह है कि परिवार के हिस्से का कुल खेती योग्य रकबा 2 हेक्टेयर या 494.82 डिसमिल से ज़्यादा नहीं है। हाँ दोस्तों, पहला कंडीशन यहाँ पे है कि किसान सम्मान निधि के तहत 500 रुपया प्रति महीना आपको पेंशन पाने के लिए पहला कंडीशन यह है कि आपके परिवार के कुल हिस्से तो 4 बीघा से बेसी नहीं होना चाहिए। ओके, 4 बीघा से बेसी आपको यहाँ पे नहीं होना चाहिए, या फिर कहिए तो 494 यानी 4 एकड़ 94 डिसमिल से बेसी यहाँ पे नहीं होना चाहिए, पहला कंडीशन यह है। दूसरा कंडीशन यह है कि आप घर में अगर आप पति है या पत्नी है तो आप सिर्फ एक ही आदमी आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पे सोचने वाली बात है कि अगर आप पत्नी है या पति है तो ये दो पत्नी या पत्नी में दोनों में से आप एक ही आदमी को लाभ मिलेगा, दोनों आदमी को लाभ नहीं मिलेगा यहाँ पे कहा गया है। और आपका लड़का सयान है 18 वर्ष से बेसी है तो उनको अप्लाई कीजिएगा, उनका मिल जाएगा। आपका पिताजी है तो उनको मिल जाएगा, आपका बाबा है उनको भी मिल जाएगा, दादी है उनको भी मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये है कि बाबा या दादी किसी एक ही को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि पति या पत्नी दोनों में से किसी को एक ही आदमी को यहाँ पे अप्लाई करना है। ओके, तो आप दूसरा कंडीशन समझ गए। तीसरा कंडीशन है पीएम किसान सम्मान निधि पेंशन के लिए, इसमें यह कंडीशन है कि आपका जो भूमि है वो किसी और का जमीन नहीं होना चाहिए, या पट्टे पर लीज पर है वैसा नहीं होना चाहिए, या किसी संस्था के अंतर्गत भूमि है वैसा नहीं होना चाहिए। ओके, इसका अपना खुद का जमीन होना चाहिए।
खुद का जमीन कहे तो आपके आपके अपने नाम से जमीन है तो भी चलेगा, आपके पिताजी के नाम से है तो भी उसमें आपका शेयर बनता है ना भाई, तो भी चलेगा। आपका बाबा का नाम से जमीन है तो भी उसमें आपका शेयर बनता है तो भी आपका चलेगा। लेकिन कंडीशन यहाँ पे यही है कि खुद जमीन जो आपका होगा वो डालिएगा और आवेदक के नाम यानी जो आपके हिस्से में जितना जमीन है वो उसमें बता दीजिएगा। देखिए अप्लाई कीजिएगा तो उसमें बता दूंगा कैसे कैसे डालते हैं। तो आपके पिताजी के नाम से या बाबा के नाम से या परिवार के आपके नाम से ज़मीन है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको किसान पीएम किसान सम्मान निधि के तहत पेंशन 500 रुपया पर महीने मिलेगी। चौथा कंडीशन है पीएम किसान सम्मान निधि पेंशन के तहत की मैं परिवार का कोई सदस्य कभी भी निम्नलिखित पदों पर कार्य नहीं हूँ। मतलब आपका कोई भी परिवार के आपको किसान पेंशन सम्मान निधि के तहत लेना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित यहाँ पे 6 कंडीशन है और 3 तो बता दिया, चौथा कंडीशन में 6 और पॉइंट है जिसे समझना है। पहला कंडीशन इसमें या ऐसे कहिए कि चौथा कंडीशन यहाँ पे है कि संवैधानिक पद यानी आपका किसी भी आपका संविधान के तहत किसी भी प्रकार का आपका सरकारी नौकरी नहीं होना चाहिए। ओके, तो जिनको पास नौकरी सरकारी नौकरी है वो आप किसान नहीं बन सकते हैं, वो आपको इनको पेंशन का लाभ नहीं मिल पाएगा। ओके, चौथा पचवा आप कंडीशन बोल रहे हैं कि पचवा कंडीशन में ये है कि केंद्र या राज्य से पूर्वत या कार्यरत मंत्री लोकसभा राज्यसभा विधानसभा विधान परिषद महापौर नगर निगम नगर पालिका सभापति और जिला पंचायत ये सब आप काम करते हैं यानी आप ये सब मंत्री है तो आपको इसकी लाभ नहीं मिल पाएगी। ओके, और छठा कंडीशन यहाँ पे है कि केंद्र या राज्य अधिकारी या कर्मचारी या सरकार द्वारा स्थापित स्वयंशासी संस्था के कर्मचारी एवं स्थानीय निकायों के अधिनियम कर्मचारी या बहुउद्देशीय कर्मचारी को छोड़कर तो ये सब है तो फिर आपको ये लाभ नहीं मिल पाएगा। और यहाँ पे सातवां कंडीशन ये बता रहा है कि सेवानिवृत्ति या मानसिक पेंशन या जिनका पेंशन आपका 10,000 से ऊपर आपको मिलता है जैसे किसी भी प्रकार का आपको पास पेंशन मिलता है लेकिन पेंशन के कंडीशन में ये है कि आप रिटायर है और आपको 10,000 से कम पेंशन मिलता है तो आप इसके लिए एलिजिबिलिटी है यानी आप अप्लाई कर सकते हैं। आप किसान पेंशन सम्मान निधि के तहत आपको पैसा मिलेगा। या और दूसरा कंडीशन ऑल है सातवां कंडीशन, आप पिछले साल किसी प्रकार का टैक्स नहीं दिया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट कंडीशन है कि आप डॉक्टर है इंजीनियर है वकील है चार्टर्ड अकाउंटेंट है या रजिस्टर्ड वास्तुकार है तो ऐसे पेशेवर संस्था के सदस्य अगर है आप तो आपको नहीं मिलेगा ऐसा इसका किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का आपको लाभ नहीं मिल पाएगा। ऐसे कहिए कि इसमें जितने भी किसान भाई लोग हैं जो खेती करते हैं या खेती करवाते हैं ये सोचिए, लेकिन वैसे व्यक्ति जिनका सरकारी सर्विस है ओके, और जिनका सरकारी सर्विस है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पेंशन योजना का लाभ उन्हें नहीं मिल पाएगा। पहला कंडीशन आपको समझ गए सिंपल में कि जो सरकारी नौकरी है उनको नहीं मिल पाएगा। दूसरा कंडीशन है कि जो सरकारी नौकरी किए हुए थे अभी रिटायरमेंट है या किसी भी तरह रिटायरमेंट है किसी भी नौकरी से और उन्हें 10,000 से कम पेंशन मिलती है तो वो उनको मिल जाएगा, उनको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत उन्हें 500 रुपया पर महीने के मिलेगी पेंशन। और तीसरा कंडीशन है जो डॉक्टर है इंजीनियर है वकील है चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो उन लोग का भी इसमें पेंशन नहीं मिलेगा क्योंकि वो लोग हाई प्रोफेशनल है तो उन्हें नहीं मिलेगा। और तीसरा कंडीशन ये है कि जिनका खेत 4 एकड़ 94 डिसमिल से कम होना चाहिए। तो आई होप दोस्तों आप समझ कि पीएम किसान सम्मान निधि पेंशन के तहत कौन कौन व्यक्ति इसमें लाभ ले सकते हैं कौन कौन इसमें नहीं आते हैं
और नेक्स्ट वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ कि आप कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे आप जल्दी अप्लाई कीजिएगा, अप्लाई कीजिए और लाभ उठाइए पीएम किसान सम्मान निधि के तहत, एक धमाका ऑफर के तहत आप लाभ उठाइए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कि कैसे आप अप्लाई करेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।